हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबल में स्वागत करता हूं मेरे दोस्तों। तो चलिए आज हम बात करेंगे यूपी SSSC एक जो लेखपाल की भर्तियां हैं वो कब आएंगी, कब तक आ सकती हैं दोस्तों, और इसका सिलेबस क्या होगा, क्या SSSC जरूरी है। अगर जरूरी है SSSC तो हम कितने रुपए में इसके फॉर्म भर सकते हैं खुद से, और कितने दिन में इसकी परीक्षाएँ हो जाएंगी, क्या SSSC के फॉर्म हम एग्जाम से पहले भर सकते हैं, मतलब कि लेखपाल की परीक्षा से पहले क्या हमारा SSSC का सर्टिफिकेट आ सकता है। दोस्तों सभी चीज़ों बात करेंगे, कितना समय देना होता है SSSC के लिए, सब कुछ देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसके अभी हाल ही में अनाउंस हुए थे कितने, लगभग 8249 पद आने वाले थे लेखपाल समेत दोस्तों, और ये क्या है वैकेंसी टलती जा रही है दोस्तों। तो ये चीज़ें कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि दोस्तों कब आएंगी वैकेंसी, ये पता है इतना जरूर कन्फर्म है कि हाल ही में आने वाले ही, बहुत ही जल्द आने वाली दोस्तों, और ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए आपके जो आपको पता होगा कि इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं दोस्तों आगामी वर्षों में, इसीलिए ये वैकेंसी भी जल्दी आएंगी दोस्तों। तो कम आप अपनी तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं वैकेंसी कब तक आएंगे, तो हम बता दें दोस्तों हो सकता है इसी ईयर के लास्ट तक आ जाए दोस्तों, आप नवंबर चल ही रहा है, दिसंबर तक आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये कंफर्म है कि आने वाली ही है दोस्तों। ठीक है, और सिलेबस क्या होगा दोस्तों, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं दोस्तों, SSSC मांगा जाएगा या नहीं, SSSC कैसे प्राप्त करें दोस्तों, सब कुछ हम दोस्तों बताएंगे दोस्तों। तो आप देखिए सबसे पहली बात क्या है कि सिलेबस क्या होगा दोस्तों। सिलेबस आपको पता होगा कि पहले जो होती थी वैकेंसी दोस्तों, उसमें हिंदी, गणित और ग्रामीण परिवेश के एक क्वेश्चन आते थे दोस्तों, और इंटरव्यू होता था दोस्तों, कितने का, 20 नंबर का लगभग इंटरव्यू होता था दोस्तों। मगर इंटरव्यू को खत्म कर दिया गया दोस्तों, आपको पता है उसके स्थान पर रीजनिंग को जगह दी जा सकती है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि SSSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे कि वीडियो आपने देखा उसमें मैथ नहीं पूछी जाती दोस्तों, उसमें रीजनिंग पूछी जाती है, तो रीजनिंग को इस बार जगह देने की उम्मीद है दोस्तों। ठीक, और निगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों पहले निगेटिव मार्किंग नहीं होता था दोस्तों, हो सकता है इस बार कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, देखिए निगेटिव मार्किंग होने से जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता दोस्तों। ठीक, तो ये चीज़ें आपको कंफर्म करनी है कि पढ़ना चारों चीज़ है दोस्तों, हो सकता है रीजनिंग आए या ना आए, मगर आना भी कंफर्म है। क्योंकि देखिए जब वो चीज़ें हटा दी गई हैं, मतलब इंटरव्यू आपका हटाएगा, तो जो उसके मार्क्स बचते दोस्तों उसमें शायद रीजनिंग को शामिल कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज़ ये है कि SSSC हो मांगी जाएगी नहीं, तो हाँ SSSC मांगी जाएगी दोस्तों। तो चलिए अगर आपने SSSC नहीं किया दोस्तों, तो आपके लिए अगर फॉर्म लेट आता तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप SSSC पास कर सकते हैं दोस्तों। किस तरह से पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, क्या होता है, इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं SSSC, सबसे पहले देखते हैं SSSC होता क्या दोस्तों। ठीक है, SSSC क्या होता है दोस्तों, ये कंप्यूटर कोर्स होता है, जो कि आपको पता है दोस्तों इसका पूरा नाम क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स दोस्तों। ठीक है, और देखिए ये क्या होता है दोस्तों, तो ये प्राइवेट और सरकारी नौकरियों में मांगा जाता है दोस्तों इसका सर्टिफिकेट, आप प्राइवेट नौकरी करते हैं वहाँ भी, ठीक है दोस्तों, और सरकारी नौकरी में तो खास करके। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बता दें ये कौन कराता है दोस्तों, तो आपको पता होगा ये सरकारी संस्था कराती है, उस सरकारी संस्था का नाम क्या है, NILET दोस्तों। ठीक है, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोस्तों। ठीक है, और ये जो NILET है दोस्तों, पहले आपने सुना होगा डीओ कराता था दोस्तों, तो उसी का पुराना नाम क्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये नया नाम हो गया NILET दोस्तों। ठीक, ड्योग का, ड्योग सोसाइटी जो होती थी उसी का नया नाम क्या हो गया, NILET हो गया दोस्तों, और ड्योग का फुल फॉर्म ये रहा दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेशन एग्रीडेशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स दोस्तों। ठीक, का ही रूपांतरण है। अब देखिए दोस्तों इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर आप SSSC करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए, न्यूनतम योग्यता, तो कम से कम भैया आप 10वीं पास हो। ठीक है, कम से कम आप 10th पास तो होने ही चाहिए। ठीक, इसके कम में आप नहीं डाल सकते, और इससे ज़्यादा ज़्यादा कुछ कितना भी आपने पढ़ रखा दोस्तों। और शुल्क कितना दोस्तों, 590 रुपये, कितना दोस्तों, 590 रुपये ऑनलाइन शुल्क है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज़ बता दें, अगर आप SSSC का फॉर्म भरते हैं या कहीं भरवाने आते हैं दोस्तों, तो आपको क्या क्या ले जाना साथ में, तो आपको पैसे तो ले ही जाने दोस्तों, उसके अलावा देखिए 10th की मार्कशीट ले जानी है दोस्तों। देखिए ये लगेगी नहीं, इससे आपका क्या होगा दोस्तों, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर और आपके पिताजी का नाम, ये सब चीज़ें इसमें देखी जाएंगी दोस्तों। इसके अलावा आधार कार्ड, ठीक, आधार कार्ड में आपको आधार कार्ड नंबर और एड्रेस के लिए ले जाना होगा, और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, देखिए वो क्या करेंगे, इसको स्कैन कर लेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। ठीक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और आपका सिग्नेचर होना चाहिए, और थंब, जो आपके थंब होते हैं दोस्तों, अंगूठा होता है दोस्तों, वो थंब भी इसमें लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक दोस्तों, तो ये आपको पता है कि थंब लेफ्ट और राइट दोनों लगेंगे दोस्तों, थंब भी लगाना होगा आपको, ठीक है, सिग्नेचर भी करने होंगे, आपका फोटो भी लगेगा, आधार कार्ड और
मार्कशीट का के जो सब चीजें हैं डिटेल हैं वो ले जाएगी दोस्तों। और देखिए इसका सेंटर कहाँ पड़ता है, आप एग्जाम कहाँ देने जाओगे दोस्तों, तो आपको बता दें कि सेंटर आपके आपको चूज करने होते हैं दोस्तों, और आप अपने नजदीकी शहर में ही चूज कर सकते हैं दोस्तों। आपके शहर में जैसे मान लिया कि मैं रायबरेली से हूँ दोस्तों, तो रायबरेली या फिर लखनऊ के आसपास से आपका सेंटर जाता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए निगेटिव मार्किंग होती है तो नहीं होती दोस्तों, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती दोस्तों। देखिए बहुत से लोग अफवाह उड़ाते हैं निगेटिव मार्किंग हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। और टोटल अगर क्वेश्चन की बात करते दोस्तों, तो टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, मतलब टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं, और मार्क कितने नंबर के होते हैं दोस्तों, तो 100 ही नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का, एक ही नंबर का होता है दोस्तों। टाइम पीरियड कितना होता है दोस्तों, तो पेपर करने के लिए आपके पास पूरे 90 मिनट होते हैं दोस्तों, कितने 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे आप कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फॉर्म कब कब निकलते हैं दोस्तों, देखिए जैसे कि आपको पता है कि आपको जो सरकारी एग्जाम के फॉर्म, सरकारी जो फॉर्म आते हैं दोस्तों, तो आपको पता है कि वो कभी कभार आते हैं दोस्तों, मगर ये कहा है कि ट्रिपल सी का सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, ये आप हर महीने डाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं दोस्तों फॉर्म, और इसके 2 से 2.5 महीने बाद आपका एग्जाम होता हो जाता है दोस्तों, उसके बाद 1-2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा दोस्तों, उसके बाद आप सर्टिफिकेट अपने हाथ से निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो किस प्रकार करेंगे वो सब कुछ हम बताएंगे दोस्तों। तो इसके फॉर्म क्या होते हैं दोस्तों, हर महीने भरे जाते हैं, ठीक दोस्तों, और आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों साइबर कैफे न जा करके दोस्तों, ठीक। अगर साइबर साइबर कैफे आप जाना चाहते तो वहां से भर सकते हैं, और खुद से भी भर सकते हैं दोस्तों, वो किस प्रकार भरोगे हम आपको बता भी देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो आपको पता होगा इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, कैसे दोस्तों, बहुविकल्पी भी होते हैं और सही गलत वाले यानी ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और इसे पास करने के लिए आपको कम से कम 50% अंक लाने हैं, यानी 100 क्वेश्चन में से कम 50 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं दोस्तों। और इसके परीक्षा का माध्यम क्या दोस्तों, तो ऑनलाइन परीक्षा होती है, क्या होती है, ऑनलाइन आपको कंप्यूटर के जरिए दिलाया जाएगा पेपर दोस्तों, आपको कंप्यूटर पर बिठा दिया जाएगा दोस्तों, और आपका पेपर होगा, उससे पहले आपको बायोमेट्रिक होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ठीक। इसकी परीक्षा किस मीडियम में होती है, जैसे आप सोच रहे होंगे हिंदी में है, हिंदी मीडियम से आप तो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं, और इंग्लिश में तो इंग्लिश मीडियम, दोनों मीडियम में इसका पेपर होता है दोस्तों। और रिजल्ट में कितने नंबर आते हैं, नंबर नहीं दोस्तों, इसमें क्या होता है, ग्रेड सिस्टम होता है, ठीक है, ग्रेड सिस्टम होता है दोस्तों, और सबसे अच्छा ग्रेड एस ग्रेड होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसमें ग्रेड होते हैं दोस्तों, और कौन कौन से ग्रेड होते हैं, एस ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड दोस्तों, ठीक। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्रेड का सिस्टम होता है, इसमें आपके नंबर नहीं पता चलते कि आपने कितने नंबर पाए हैं दोस्तों। देखिए अगर आपके 85 से लेकर 100%, ठीक, अगर आपके 85% से लेकर 100% के बीच नंबर आते तो आपको एस ग्रेड दिया जाएगा, और ये सबसे अच्छा ग्रेड होता है दोस्तों, इससे अच्छा कोई ग्रेड नहीं माना था दोस्तों, ठीक। और उसके बाद अगर देखिए आपके 84 से यानी 75% से लेकर 84% के बीच में नंबर आते तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, ये भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 65 से लेकर के 74% के बीच अगर आपके नंबर आते हैं तो आपको बी ग्रेड दिया जाएगा दोस्तों, और 55 से लेकर के 64 के बीच आते हैं तो आपको सी ग्रेड मिलेगा, वहीं अगर 50 से लेकर 54 के बीच में आपके ग्रेड आते हैं दोस्तों तो आपको डी ग्रेड दिया जाएगा, और सबसे न्यूनतम ग्रेड होता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अगर आपके नंबर आते हैं दोस्तों तो आपको एफ ग्रेड यानी फेल कर दिया जाएगा दोस्तों, क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक। और बहुत से लोग होते हैं दोस्तों बार बार फेल होते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो पहली बार में ही पास हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझना है दोस्तों। और फॉर्म कैसे भर सकते हैं दोस्तों, तो आप जाइएगा नाइलेट, आपको नाइलेट खोलना दोस्तों, तो वहां पे देखिए कैसे भरा जाएगा वो हम बता दें दोस्तों। नाइलेट खोलेंगे आप, फिर ट्रिपल सी पे जाएंगे दोस्तों, और फिर अप्लाई फॉर्म पे जाएंगे दोस्तों, या फिर आप सरकारी जल पे जाएंगे दोस्तों, सरकारी जल डाल देंगे, सरकारी जल ट्रिपल सी। अगर आपको नहीं पता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना दोस्तों, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, या फिर आपको बता देंगे कैसे भरा जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको, देखिए जो अनिवार्य होंगे इस तरह से उस पर स्टार लगा होगा दोस्तों, उन्हें भरना ही भरना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया, क्या आपने पहले कभी ट्रिपल सी के लिए आवेदन किया, अगर आपने कभी पहले किया दोस्तों तो यहाँ पर यस करिए, और आपका सीधा रोल नंबर आएगा, आपको डाल देना, फिर ज़्यादा कुछ भरना नहीं पड़ेगा। अगर पहली बार डाल रहे फॉर्म तो नो कर देना दोस्तों। फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए आवेदक का पूरा नाम, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, श्री और श्रीमती आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप श्री लगा देना दोस्तों, अगर आप मेल हैं, अगर फीमेल है तो अपने हिसाब से कर लेना दोस्तों, ठीक। और यहाँ पर अपना पूरा नाम डाल देना जो कि आपके 10th की मार्कशीट में होगा दोस्तों, ठीक। उसके बाद पिता का नाम यहाँ पर डालना दोस्तों, श्री सेलेक्ट करके दोस्तों यहां पे आप अपना पिता का नाम डाल देंगे दोस्तों, ठीक। मार्कशीट के
जो मार्कशीट में है दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद आप माता का नाम दोस्तों, आपके माता का नाम क्या है यहाँ भर देंगे दोस्तों पूरा एकदम सही सही। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपका लिंग क्या है दोस्तों, मेल है फीमेल है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मेल है तो इस पर टिक करना है, फीमेल है इस पर कर देना। और आपका डेट ऑफ बर्थ क्या दोस्तों, यहाँ पर आप जब क्लिक करोगे दोस्तों तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा दोस्तों, उसको चूज कर लेना है जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक। उसके बाद वर्क कौन सा दोस्तों, आपका कैटेगरी यहाँ पर चुन ली जाएगी। और व्यवसाय का है दोस्तों, तो यहाँ पे आप व्यवसाय क्या करते हैं दोस्तों वो आपको बताना है। अगर दिव्यांगता है दोस्तों, डिसेबल है तो यहाँ पर एस कर देना, अगर नहीं है तो दोस्तों नो कर देना, ठीक। उसके बाद क्या है दोस्तों, यहाँ वो आपको देखिए ये आपको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही डालना दोस्तों, बिल्कुल सही मोबाइल नंबर डालना दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको जानकारी आएगी दोस्तों, आपको फॉर्म भरा जाएगा तो उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना, आपको ईमेल डालना है दोस्तों, और यहाँ पर आपको दोस्तों पता डालना। देखिए पहले वाली लाइन में आपको विलेज डाल देना है, विलेज जो भी आपका गाँव है, फिर दूसरे वाले में पोस्ट डाल देना दोस्तों, ठीक है। और फिर तीसरे में आप डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे दोस्तों, फिर इसमें शहर का नाम, फिर यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे दोस्तों, और फिर यहाँ पर अपना राज्य चुन लेंगे यानी उत्तर प्रदेश, तो यूपी चुन लेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश, और फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आप डाल देंगे दोबारा से दोस्तों सेलेक्ट करके। देखिए हमें चूज करना होता है, इसमें लिखना नहीं होगा, आपको चूज करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अपना हाइएस्ट जो एजुकेशन है दोस्तों वो डाल देना, आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, बीए है तो बीए, एमए है तो एमए दोस्तों, ठीक। जो भी है आपका टेंथ है तो टेंथ, ट्वेल्थ है ट्वेल्थ, जो भी डालना है डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपने कब पास किया, ये जो डिग्री लगाएंगे दोस्तों वो कब पास किया वो डाल देंगे दोस्तों। अब देखिए अगर आप किसी संस्था में पढ़ रहे हैं दोस्तों, संस्था वाला क्या करेगा, इंस्टीट्यूट पर अपना भरेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों। और उसके बाद क्या करना दोस्तों, देखिए किस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर परीक्षा किसके आवेदन कर रहे हो दोस्तों तो आपको बता देना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर भी ठीक, एग्जाम नेम तो ट्रिपल सी, ट्रिपल सी दोस्तों, यहाँ पे आप ट्रिपल सी चूज कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे ट्रिपल सी दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेंटर, दो सेंटर चुनने मिलता है दोस्तों, यहाँ पर स्टेट आप चुनना तो आप उत्तर प्रदेश चुन लेना दोस्तों यूपी, और यहाँ पे जहाँ से आप हैं, जिस जिले से आप हैं दोस्तों, पहले वो वाला जिला चूज कर गए, फिर दूसरे में भी आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पर जिस जिले में आप हैं दोस्तों उसके आसपास का कोई जिला जो लगता हो दोस्तों कि आपकी, आप जहाँ डाल दोगे दोस्तों वहीं आपका सेंटर जाएगा, या फिर आप कहीं दूर डालना चाहते हो दोस्तों तो दूर दूर भी डाल सकते हैं दोस्तों, वहाँ चला जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको आधार कार्ड संख्या डालनी है दोस्तों, और फोटो आपको स्कैन कर लेना दोस्तों, स्कैन करने के बाद फाइल आपको कम कर लेनी दोस्तों, कम से कम 50 KB से ज़्यादा ना हो दोस्तों, ठीक है। और ये JPG, JEPG और GIF और PNG में ये फाइल होनी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पर चूज़ करेंगे दोस्तों, चूज करने के बाद अपलोड कर देंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे आपका पूरा फोटो दिखाई देगा दोस्तों। उसके अलावा फिर हस्ताक्षर आपको करना दोस्तों, यहाँ से सेलेक्ट करना है, अपलोड कर देना है। और उसके बाद थंबनेल, देखिए बाएँ हाथ का अंगूठा, ठीक, बाएं हाथ का अंगूठा दोस्तों यहां पर अपलोड कर देंगे दोस्तों। उसके बाद आपको करना क्या दोस्तों, यहां पर यही नंबर आपको डाल देना जो यहां पर शो करेगा दोस्तों, यहां पर डाल देना है और यहां से टिक कर देना दोस्तों। उसके बाद आप क्या कर दोगे, सबमिट का एक ऑप्शन होगा तो सबमिट कर देना दोस्तों, तो आपको आपका पूरा इनरोल जो होगा सबमिट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाना है और पेमेंट कटवा देना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फाइनल प्रिंट आपको ले लेनी दोस्तों, ठीक। तो ये प्रोसेस है दोस्तों, अपने आप खुद से आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। और देखिए उसके बाद जब आप फॉर्म भर देंगे दोस्तों, फिर उससे कुछ दिन बाद आपका क्या आएगा दोस्तों, एडमिट कार्ड आएगा, यानी एडमिट कार्ड आएगा, उसको ले जाइए आप दोस्तों, पेपर दीजिए, पेपर देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, एक आध महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों, रिजल्ट दीजिएगा। उसके बाद कुछ समय बाद आपको सर्टिफिकेट लेना होगा दोस्तों, सर्टिफिकेट आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपका सर्टिफिकेट इस तरह से दिखेगा दोस्तों, ठीक, ये आपका ऐसा ही सर्टिफिकेट आपको दिखेगा दोस्तों, फिर उसे वेरीफाई करके आप उसे कहीं भी लगा सकते हो दोस्तों, किसी भी संस्था में आप लगा सकते हो दोस्तों, ठीक। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी दोस्तों, ठीक है। अब आपको अगर अच्छी लगी दोस्तों तो ये वीडियो क्या करना, शेयर कर देना दोस्तों। और देखिए अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, हम लेखपाल का जो पेपर है दोस्तों वो हम आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे दोस्तों, आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक। या उसका हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक दोस्तों, वहाँ से आप फिर डायरेक्ट जा सकते हो दोस्तों, ठीक। इसके अलावा देखिए हिंदी हमने मैराथन क्लास चलाई दोस्तों, बहुत ही अच्छे से दोस्तों, ठीक। मैराथन क्लास आप देखिएगा तो जरूर जाकर दोस्तों, हमने एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर को खत्म किया दोस्तों, जैसे चाहे हमने अलंकार हो या फिर रस हो या फिर छंद हो, समास हो, कुछ भी चीज़ हमने एक ही वीडियो में संपूर्ण चीजें मतलब सिलेक्ट किया और उसको पूरा भी किया दोस्तों, और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हमने किए हैं दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा दोस्तों, तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और आई होप दोस्तों कि आपका पेपर आगे अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।